नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। टोक्यो पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों समेत जापान के नागरिकों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। जापान मोदी मोदी के नारों से उस वक्त गूंज उठा जब वो दो दिनों के दौरे पर क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंचे। वहां रह रहे भारतीय समुदाय और जापानी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनको देखने के लिए लोग उमर पड़े। उनके पहुंचते ही लोग जोर जोर से भारत माता की जय और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाने लगे। लोगों के हाथों में भारत का झंडा भी दिखाई दिया तो कुछ लोगों के हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था कि जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। टोक्यो में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान जापानी बच्चों ने उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने इन बच्चों के साथ हिंदी में बातचीत की। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? प्रधानमंत्री का स्वागत करने आए जापानी बच्चे उनसे काफी प्रभावित और खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जापान में रह रहे भारतीय लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है, वो भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मैं गर्मजोशी से स्वागत के लिए जापान में प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद देता हूँ। दरअसल दो दिनों के दौरे में पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से बात करेंगे। साथ ही मोदी तीन बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे जहां वो 24 मई को क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे जो प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की अपनी इस यात्रा का उद्देश्य और जापान से भारत के संबंधों को लेकर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग हमारी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।